बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस नरगिस फातिमा, लेक्चरर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट, प्यास कॉलेज, कसूर। एज अ कोर टीचर ऑफ कोर्स एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, मेन टीचर इज डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सर शहजाद फ्रॉम डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आवर टुडेज टॉपिक इज ज़ाहवीज़ हैंडीकैप थ्योरी। All the rights of this lecture are transferred to the University of Education, Lahore. Now, let's start the lecture. Now, I will discuss the strutting behavior. Strutting refers to the up and down jumps exhibited by gazelles upon spotting a wolf or other predators prior to their running away. Scientists suggest that a gazelle that indulges in such a danger practice may be signaling its physical fit status to the predator. Obviously, अभी मैंने आपसे बात की पिछली स्लाइड में कि जो सिग्नल गेजल दे रहा होता है कि वो फिजिकली फिट है, तो इससे जो प्रिडेटर्स हैं वो फिर भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसके पास नहीं आते। By doing so, it is communicating to the predators that it has seen it, therefore the advantage of surprise is lost and it is strong enough to run out the predators in chase. Based on many field observations, it is known that very often predators faced with strutting gazelles leave and look for other prey. So, ये gazelle के लिए एक बहुत बड़ा advantage है. Scientists propose this as an example of an honest signal that has evolved as a means of communication between predator and prey. अब ये एग्जाम्पल जो है गेजल की बेस्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्ट सिग्नल की, जो कि अ वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द प्रेडेटर एंड प्रे। इट इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑन द पार्ट ऑफ द गेजल एंड सो कैन नॉट बी फेक्ड। और ये फेक तो इसलिए नहीं हो सकता कि गेजल जो है उसको ऐसा सिग्नल देने के लिए, ऐसा ऑनेस्ट सिग्नल देने के लिए ढेर सारी एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ा। इट वुड बी सुसाइडल फॉर एन अनफिट गेजल टू अटेम्प्ट सच जंप्स। इट वुड ओनली एक्सपोज इट्स इनएबिलिटी सूनर एंड फॉल एज एन इजी प्रे। अगर एक अनफिट वीक गेजल ऐसी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा या ऐसी स्टोटिंग करेगा, तो क्या होगा कि जो प्रेडेटर्स हैं वो इजिली उसको शिकार कर लेंगे और उसकी जो इनएबिलिटी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आ जाएगी और इससे उसकी जान को भी खतरा है और वो प्रेडेटर का शिकार हो जाएगा। नाउ हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। यू इन दिस डायग्राम यू कैन सी द गुलिबल क्रोस फीडिंग अ बेबी कुकूज। इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी अ सिंगिंग लार्क व्हेन बीइंग चेस्ड, they run away. Now, mating displays. Typically, females invest more in their offspring than males do. So, they need to be choosy in picking a mate. They mate once in a season mostly. Males, however, mate with several females in the short period of time when they are receptive. Therefore, each male must do his best to attract and mate as many females as possible. Now, first of all, let's have a look at peacocks. The peacock holds his tail upright in itself, a process that would seem to need strength, and shakes it vigorously from time to time. By doing so, he appears to be to prove his physical fitness to the watching female. अब जब पीकॉक है अपनी टेल को फ्लॉन्टिंग कर रहा होता है, तो इसका ये मतलब है कि वो फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसको ये मैसेज दे रहा है दैट ही इज फिजिकली फिट फॉर मेटिंग। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी द फ्लॉन्टिंग बिहेवियर of peacock's tail. Also, his tail feathers are developed at a time of year when there is scarcity of food.
A male who has developed a fine tail plumage therefore is offering proof of his ability to successfully look for and find food even under conditions of stress and hence is advertising his desirability as a mate. अगर जब वो time period जब पूरे साल में scarcity of food हो जाती है तो जो tail plumage है वो मेल की इस बात का प्रूफ दे रही होती है कि उसमें ये अबिलिटी है कि वो सक्सेसफुली जो है वो खुराक को तलाश कर सके इतनी बुरी जो स्ट्रेस की कंडीशंस हैं उसमें भी, और वो इस बात का सबूत दे रहा होता है कि वो डिजायरेबिलिटी शो कर रहा होता है एज अ मेट. नाउ बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. इन द मेटिंग सीजन द स्पेक्टेक्युलरली colored male bird of a paradise hangs upside down on a tree, spreads his feathers and flaps the wings. He is dancing with a handicap. Now in this diagram you can see the bird of paradise dancing and using his handicap to attract the female. Now let's have an example of white pelicans. During the mating season, white pelicans develop bulges at the base of the beak, just ahead of the eyes. A bulge is a handicap. It makes it hard for the pelican to see and impairs its ability to fish. Now in this diagram, you can see the white pelicans having the handicaps. Now the fourth one is yeast cells. The handicap principle could be one innovative way of looking at signals even at the single cell level. हमने handicap जो है principle उसको higher level पे of the organisms देखा. Now हमें examples at the single cell level भी मिलती हैं. For example, yeast cells reproduce both asexually by budding or fission as well as sexually. They use a peptide molecule on the cell surface as a mating signal. तो yeast में mating signal के तौर पे peptide molecule use होता है. These peptides are seldom bear and usually carry oligosaccharides, moieties, and occasionally even lipids attached to them. The scientists suggest that yeast cells advertise their desirability as mating partners by decorating the peptide molecule that is their mating signal. To make the modification, they need to use expensive chemical resources such as lipids and sugars. The modified signal works like a handicap. So yeast mein jo modified signal hai wo handicap ke taur pe kaam kar raha hai aur मॉडिफिकेशन को करने में एक्सपेंसिव केमिकल्स का रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है जैसे कि लिपिड्स हैं या शुगर्स. मोस्ट इम्पोर्टेंटली द हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल एंड इनडीड अ डेकोरेटेड पेप्टाइड अपीयर्स टू बी प्रेफर्ड टू एन अनडेकोरेटेड वन. और यही वजह है कि जो हाइपोथेसिस टेस्टेबल है और डेकोरेटेड पेप्टाइड जो है वो प्रेफर हो जाता है एज कंपेयर टू द अनडेकोरेटेड वन. ज़ाहवीज़ ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ द हैंडीकैप प्रिंसिपल वाज रेदर वेक विद रिस्पेक्ट टू प्रिसाइज़ली व्हाई मोस्टली सिग्नल्स वर इनहेरेंटली बिलीवेबल. ज़ाहवीज़ की जो ओरिजिनल उसने हैंडीकैप के हवाले से प्रिंसिपल दिया था और उसने जो है डिस्कस किया था वो इतना क्लियर नहीं था विद रिस्पेक्ट टू द प्रिसाइजली व्हाई कॉस्टली सिग्नल्स वर इनहेरेंटली बिलीवेबल, कि जो कॉस्टली सिग्नल्स हैं उनको हम इनहेरेंटली बिलीवेबल क्यों समझते हैं. तो ये चीज जो है वो इतनी क्लियर नहीं थी अकॉर्डिंग टू ज़ाहवीज़ ओरिजिनल फॉर्मुलेशन. तो फिर क्या था, सेवन आंसर्स और रेदर इंटरप्रिटेशंस ऑफ ज़ाहवीज़ आर्गुमेंट वर क्विकली पुट फॉरवर्ड. तो फिर मजीद साइंटिस्ट ने मजीद इसको जो है स्टडी किया और इसको जो है देखने के बाद ज़ाहवी के आर्गुमेंट पे इंटरप्रिटेशंस दी और इसको मजीद और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश.
नाउ जाम्बीज की हैंडीकैप थेरीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो मुख्य साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया, उनमें से प्रोमिनेंट जो नाम है वो ग्रेफिन का है 1990 में। उसने क्लासिफाई किया इसकी जो थ्योरी है फोर कैटेगराइजेशंस में, जिसमें है नंबर वन इज स्ट्रेटेजिक चॉइस हैंडीकैप, नंबर टू इज सर्वाइवल हैंडीकैप, नंबर थ्री इज एम्पलीफायर और रिवीलिंग हैंडीकैप, एंड द फोर्थ वन इज कंडीशन डिपेंडेंट हैंडीकैप। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्ट्रेटेजिक हैंडीकैप के बारे में। इसको हम कॉजली सिग्नलिंग भी कहते हैं। इसमें हर सिग्नलर जो होता है वो चूज करता है कि कितना हैंडीकैप जो है प्रोड्यूस करना है अपनी क्वालिटी को सामने रखते हुए, और जो रिसीवर जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स को भी जो कि हैंडीकैप के साइज को देखते हुए होते हैं। और सेकेंड वन इज द सर्वाइवल हैंडीकैप। पोजेशंस ऑफ द हैंडीकैप सिग्नल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ। हाई क्वालिटी जो सिग्नलर्स हैं इसी वजह से जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। और जो सिंगल रिसीवर जो होते हैं सिग्नल रिसीवर्स हैंडीकैप सिग्नलर्स को ये बताते हैं कि वो हाई क्वालिटी के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया होता है सिंपली बाय सर्वाइव। नाउ इज द थर्ड वन एम्पलीफायर एंड रिवीलिंग हैंडीकैप। इसमें जो सिग्नलर्स होते हैं वो अच्छी खासी एफर्ट लगाते हैं ताकि जो सिग्नल रिसीवर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए उनकी क्वालिटी जज करने में। मिसाल के तौर पर ये आसान है कि एथलीट्स की क्वालिटी चेक करना, वो जब वो मैराथन के लिए भाग रहे हों तो इजी होती है, देन व्हेन दे आर लूजिंग बैकवर्ड्स एंड वाचिंग टीयर्स रिटर्न्स। द लास्ट वन इज कंडीशन डिपेंडेंट हैंडीकैप। ये हैंडीकैप इसके बारे में ये है कि जो कि स्मॉल सिग्नलर्स, कुछ ऐसे सिग्नलर्स होते हैं इस काबिल होते हैं कि प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि तमाम इसके कैपेबल नहीं होते, सिर्फ वो जो कि हाई क्वालिटी के होते हैं। मिसाल के तौर पर जो है इरिडिसेंट फेदर्स हैं इसकी मिसाल में से एक आपको अगर मैं बताऊं, क्योंकि अगर प्रॉपर जो है न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होगी और लिमिटेड वेयर एंड टीयर होगा या फिजिकल कंडीशंस होंगी और पैरासाइट का लोड होगा लो, तो जो शाइनी फेदर्स हैं वो नामुमकिन है मेंटेन रखना किसी भी एनिमल के लिए। तो ये तो हो गई, हमने जिक्र किया ग्रेफिन के हवाले से जिन्होंने डिस्कस किया था हैंडीकॉक को फॉर कैटेगराइजेशंस। नाउ कंक्लूजन, एज जाम्बीज डिड नॉट डिफाइन द हैंडीकैप प्रिंसिपल मैथमेटिकली, इट रिमेन द मैटर ऑफ सम डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट। जैसा कि जो जाम्बी है वो मैथमेटिकली जो है प्रूव नहीं कर सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका हैंडीकैप प्रिंसिपल को, तो इसी वजह से जो है ये जो बहस में रहा ये टॉपिक काफी अरसे तक साइंटिस्ट की, और फिर इसी वजह से जो है काफी डिसएग्रीमेंट्स भी सामने आए। Nevertheless, the idea was very influential. लेकिन आइडिया बेशक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, विद मोस्ट रिसर्चर्स इन द फील्ड बिलीविंग दैट द थियरी एक्सप्लेन्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम जाफी की थियरी देखें तो जैसे बिहेवियर बायोलॉजिस्ट हैं वो भी इस फील्ड पे बहुत ज्यादा एनिमल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थियरी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देती है। Thank you, and that's all about today's lecture.